नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उदयपुर में अरावली पहाड़ियों के बंसधारा चोटी पर स्थित व्हाइट मार्बल से बने सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में। इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्यों आना चाहिए, किस समय यहाँ आकर उदयपुर के मनोहारी दृश्यों का आनंद लिया जाना चाहिए, टिकट्स का प्राइस क्या है, इसको बनवाने का मकसद क्या था, इसे किसने बनवाया था और इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। हम आपको यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे और कुछ झलकियाँ छुपाएंगे भी, ताकि आपका यहाँ आने का क्रेज बना रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सज्जनगढ़ पैलेस को मेवाड़ वंश के शासक महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में बनवाया था। उनके नाम पर ही इस किले का नाम सज्जनगढ़ पैलेस रखा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 15 वर्ष की उम्र में ही महाराजा सज्जन सिंह जी गद्दी पर बैठ गए थे, परंतु 1876 में बालिग होने के बाद ही उन्हें ताज पहनाया गया था। केवल 26 वर्ष की उम्र में पेट की बीमारी के कारण 1884 में महाराणा सज्जन सिंह जी का असामयिक निधन हो गया। महाराणा सज्जन सिंह इस पैलेस को एक 9 मंजिला इमारत बनाना चाहते थे, पर उनकी असामयिक मृत्यु की वजह से यह संभव ना हो सका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराणा सज्जन सिंह ने ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी को उदयपुर में आमंत्रित किया था। स्वामी दयानंद ने ही उदयपुर में ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाराणा के वंशजों ने यह किला राजस्थान सरकार को पब्लिक के देखने के लिए समर्पित कर दिया। इस पैलेस की सारी मेंटेनेंस और टिकट्स की बिक्री की सारी आय गवर्नमेंट के पास जाती है। यह किला उदयपुर में बायोलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर के बिल्कुल बराबर में स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस का उद्घाटन 27 सितंबर 2002 को माननीय श्रीमती बीना काक, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। दोस्तों, सज्जनगढ़ फोर्ट की टिकट भारतीय नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति 110 रुपया है। विदेशियों के लिए इसकी टिकट की कीमत 455 रुपये प्रति व्यक्ति है। अपने फोर व्हीकल द्वारा अगर आप फोर्ट तक जाना चाहते हैं तो आपको 305 रुपये अलग से देने होंगे। टू व्हीलर के लिए यही किराया 55 रुपया है। दोस्तों, गेट से एंट्री करने के पश्चात सरकारी व्हीकल द्वारा, जिसके लिए आपसे अलग से चार्ज लिया जाता है, आपको किले तक पहुंचाया जाएगा। हमसे 4 लोगों के लिए 374 रुपये चार्ज किए गए थे। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए अलग से छूट है, जिसका लाभ उठाने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप बच्चों का आधार कार्ड साथ में कैरी करें। घुमावदार रास्ते से लगभग 10 से 12 मिनट की ट्रैवलिंग के पश्चात आप किले तक पहुंच जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में। क्योंकि यह किला समुद्र तल से 932.60 मीटर या 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, महाराणा इसे एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहते थे, ताकि मानसून की गतिविधियों का पहले से अनुमान लगाया जा सके। मानसून के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने का इससे बेहतर स्थान उदयपुर में नहीं हो सकता। यह आने का सबसे अच्छा समय मानसून सीजन है, जब यहाँ से आप मानसून की बारिश का आनंद ले सकते हैं। इतनी ऊंचाई से पूरे उदयपुर को बारिश की बूंदों से सरोबार होते हुए देखना एक अनूठा अनुभव होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर अन्य मौसम में भी आप यहां आकर इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ रेन हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट, जो हाल ही के कुछ वर्षों में इंडिया में आया है, ये कंसेप्ट महाराणा सज्जन सिंह जी ने आज से करीब 135 वर्ष पहले ही सोच लिया था। इस किले का निर्माण इस तरह किया गया है कि वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद का संचयन हो सके। यह किला प्राचीन भवन शिल्पियों की शिल्पकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। किले की प्रत्येक मंजिल पर खुले हुए भाग पर गिरने वाले वर्षा के पानी को इसी महल की छत के भीतरी भाग पर निर्मित टंकियों में एकत्रित किया जाता था। किले की सुदृढ़ दीवारों में निर्मित पाइपलाइन के द्वारा ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित
पानी की टंकियों में वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता था। 195,500 लीटर वर्षा का पानी वर्ष पर्यंत किले के प्रवासियों की आवश्यकताएं पूरी करता था। 1884 से लेकर बिना किसी मरम्मत के ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित वाटर स्टोरेज सिस्टम से आज के भवन शिल्पकार बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1983 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग यहीं सज्जनगढ़ पैलेस पर हुई थी। इस किले को कमाल खान, जो कि उस मूवी में एक निर्वासित अफगान राजकुमार था, उसके घर के तौर पर दिखाया गया था। दोस्तों, किले में प्रवेश से पहले आप यहां बाहर बैठने के स्थानों से पूरे उदयपुर के अद्भुत नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। दोस्तों, इस किले से पूरा उदयपुर शहर और यहां की झीलों का दृश्य दिखाई देता है, जो मन को मोह लेता है। इस किले के ग्राउंड फ्लोर पर म्यूजियम है, जहां से गुजरते हुए आप महल के ओपन स्पेस पर पहुंच जाते हैं, जहां से आप अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, जिसकी एक बान की झलकियां आप यहां इस वीडियो में इस समय देख रहे हैं। इसी स्थान से ही सूर्य अस्त या सनसेट के दृश्य देखने के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ की तेज़ हवा का आनंद लेते हुए लोग खुशी से सनसेट के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। ठंडी पवन के झोंकों के बीच सनसेट की ये लालिमा का दृश्य मन में अद्भुत रोमांच पैदा करता है और यहाँ आना सफल सिद्ध कर देता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सज्जनगढ़ पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर और देखते हैं वहाँ पर क्या है। फर्स्ट फ्लोर पर झरोकों पर बैठकर तेज हवा के झोंके आपका मन प्रफुल्लित कर देते हैं। यहाँ से भी आप उदयपुर की नेचुरल सीनरी का आनंद ले सकते हैं। सेकंड फ्लोर अभी यहाँ दर्शकों के लिए बंद है। आप 2 से 3 घंटे में इस किले का पूरी तसल्ली के साथ आनंद ले सकते हैं। यहाँ चुंडा पैलेस के नाम से कैफेटेरिया एंड रेस्टोरेंट भी है। यहाँ लंगूर भी पेड़ पर आपको देखने को मिलेंगे, अपना सामान उनसे बचा कर रखिएगा। सनसेट के बाद उदयपुर सिटी का लाइटिंग से जगमगाता शहर भी आपके दिल को छू लेता है। तो कुल मिलाकर सज्जनगढ़ पैलेस इज़ अ मस्ट विजिट पैलेस ऑफ उदयपुर। जब भी उदयपुर आएँ तो इस पैलेस को देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।